तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा वाइटी। तो गाइज, आज भी मेरे पास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से, जैसे कि कैरी मिनाटी के वरदान सॉन्ग पे अरिजीत सिंह ने क्या कहा, एंड जो आप कैरी मिनाटी के म्यूजिक वीडियो पे जेठालाल का कमेंट देख रहे हो वो बिल्कुल फेक है, एंड इसका मैं आपको एक सॉलिड प्रूफ भी दूंगा। एंड बहुत सारे सोर्सेस से ये पता लग रहा है कि कल पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च हो जाएगा। तो ये वीडियो तो आप कल देख रहे होगे, मतलब आज के दिन ही पबजी मोबाइल रिलीज होगा। एंड इस न्यूज के बारे में बड़े बड़े क्रिएटर्स का क्या कहना है, लाइक टेक्निकल गुरुजी, ओसेन शर्मा एंड मैक्सटन। तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के ऊपर चलते हैं, जो कि है कैरी मिनाटी के वरदान सॉन्ग पे अरिजीत सिंह ने क्या कमेंट किया। वो लिखते हुए ये कहते हैं कि लाइफ में कुछ करो तो अपने दिल की सुनो। एंड इस कमेंट के ऊपर आप देख सकते हो कि वेरीफाइड टिक भी लगा है, और जब आप इस चैनल को ओपन करोगे तो आपको 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे। इस चैनल को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये अरिजीत सिंह का ही चैनल है, बट नहीं गाइज, ये उनके एक फैन का चैनल है। आप इनके अबाउट सेक्शन में जाके इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, वहाँ पे क्लियरली लिखा है, दिस इज नॉट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इट्स ओनली क्रिएटेड बाई अरिजीत सिंह फैन। तो गाइज कंफ्यूज मत होना, ये उनके एक फैन का चैनल है। तो चलिए अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं, जो कि है जेठालाल के कमेंट के बारे में। तो कैरी की इस वीडियो पे जेठालाल ने भी कमेंट किया था, तो वो कमेंट फेक है। वो कैसे है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप जेठालाल मतलब कि दिलीप जोशी के चैनल पे जाओगे तो अभी करंटली आपको उनके चैनल पे उनके सब्सक्राइबर्स हाइट देखने को मिलेंगे, बट मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जहां पे आप उनके सब्सक्राइबर देख सकते हो, 121,000 करंटली है। एंड गाइस, ये बंदा इतना बड़ा फेक है कि इसने जेठालाल के इंस्टाग्राम पे जितने भी क्लिप थे वो सभी को अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया, एंड चैनल का नाम दिलीप जोशी रख दिया। एंड जितनी भी वीडियोस इसने डाली थी वो सभी की सभी वायरल हो गई, एंड इसके चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी आ गए। एंड फिर इस बंदे ने क्या किया, इसने दिशा वकानी का चैनल बनाया, एंड इस चैनल से उस चैनल को प्रमोट किया। एंड गाइस, उस चैनल पे भी 2,06,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एंड जब इसने ये वाले चैनल को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी टैब डाला था, वो वाली कम्युनिटी टैब को इसने डिलीट मार दिया है। एंड लास्ट प्रूफ ये है गाइस कि इसको देखने के बाद आपको 100% यकीन हो जाएगा कि ये फेक अकाउंट है। ये देखो आप अपने स्क्रीन के ऊपर, ये है उसके क्रिएटर स्टूडियो का स्क्रीनशॉट। एंड आप लोग मुझे कमेंट में ये मत बोलना कि भाई तुझे ये स्क्रीनशॉट किधर से मिला। आप लोग बस ये सोचो कि अगर ये बंदा रियल होता तो इसके क्रिएटर स्टूडियो का स्क्रीनशॉट मेरे पास कहां से आता। आपको तो पता ही होगा कि जेठालाल कितने फेमस हैं, वो अपने क्रिएटर स्टूडियो का स्क्रीनशॉट क्यों शेयर करेंगे। तो कुल मिला के इन दोनों का चैनल फेक है, एंड जो इन दोनों चैनल को चला रहा है उसका नाम शिवम मिश्रा है। तो गाइस, यहां पे जेठालाल ने कैरी मिनाटी का भी काट लिया है, तो इस पर आप क्या बोलोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। तो गाइस, यहां पे टेक्निकल गुरुजी ने एक वीडियो डाली जहां पे उन्होंने बताया कि पबजी मोबाइल इंडिया जो है वो कल लॉन्च होने वाला है। तो इस छोटे से क्लिप में आप देखो उन्होंने क्या कहा। वैसे आप दोस्तों अगर से बात करता हूं, लॉन्च होने की बहुत बहुत स्ट्रांग दोस्तों यहां पे रिपोर्ट्स हमको बताती हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया कल लॉन्च हो सकता है। अभी दोस्तों यहाँ पे ऑल्दो ये कुछ ऐसा गारंटीड ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स, स्ट्रॉन्ग दोस्तों जो है वो लीक्स इसी तरफ सजेस्ट करते हैं सब कुछ कि 19 तारीख, कल 19 जनवरी को PUBG मोबाइल इंडिया में दोस्तों शायद लॉन्च हो सकता है। तो अभी लेट्स सी कल क्या होता है। वैसे अगर मैं तो यही चाहता हूँ जितना जल्दी से उतना इंडिया में आ जाता है कि आप जो गेमर्स अभी इंतजार कर रहे हैं इस गेम को, भैया वो खेलना स्टार्ट करें। वैसे क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं क्या? एंड उसके बाद फिर ओसेन शर्मा ने अपने चैनल पे कुछ ये कहा। खुफिया सूत्र हमारे यहां आते हैं, मैं बोलना चाहूं तो, बट खैर ये भी सुनने में आया है, यहां पर भी सुनने में आया है। तो हाँ, हम लोग होप करेंगे कि अगर आ जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन मैंने मैक्सटन से बात करी थी और मैक्सटन ने बोला कि अगर कल पबजी आ गया तो मैं अपना आईफोन तुम्हें दे दूंगा। एंड उसके बाद मैक्सटन ने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में कुछ ये पोस्ट किया, ट्रेलर टुमारो ऑन माय चैनल एंड ऑफिशियल चैनल्स, इनेबल नोटिफिकेशन टू वॉच इट फर्स्ट। तो गाइस क्या सीन हो रखा है मुझे तो नहीं पता चला है, अब कल ही देखते हैं कि क्या होता है। एंड गाइस, यहां पे मैक्सटन के बारे में एक और अपडेट है। आपको तो पता ही होगा कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट मार दिया है, एंड उसके बाद मुझे लगता है कि उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी डिलीट हो गया है, बिकॉज जो उनका अकाउंट है वो सर्च बार में भी नहीं आ रहा है, एंड किसी की फॉलोइंग में जाकर आप देखोगे तो वहां पे मैक्सटन नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड जब आप उनकी प्रोफाइल खोल के देखोगे तो आपको एक भी पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये अकाउंट डिलीट हो गया या फिर किसी ने हैक कर लिया है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है तांडव वेब सीरीज के बारे में। तो गाइस शायद आपको नहीं पता होगा कि इस सीरीज का भी मैं बहुत ही ज्यादा बाइकॉट किया जा रहा है, एंड जहां तक मुझे पता चला है कि मे बी इनके जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स थे उनके ऊपर FIR भी हो गई है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि इनका जो पहला एपिसोड आया था उस एपिसोड के कहीं बीच में हिंदू देवी देवताओं का इंसल्ट किया गया था एंड एक गाली भी दी गई थी। तो चलिए मैं आपको वो वाली क्लिप दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे गाली देने वाले पार्ट को कट कर दिया गया है। तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए एलविस यादव अपने ट्विटर में ये ट्वीट करते हैं कि असली तांडव होगा अगर तांडव बैन नहीं हुई तो, पुराना टाइम गया अब नया भारत है, #tandav तांडव वेब सीरीज। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो गाइस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था कि टेक वैली करके एक चैनल है जिस पर उन्होंने 4 सेकंड का क्लिप यूज किया था टेक्निकल गुरुजी के वीडियो से। तो टेक्निकल गुरुजी ने उनके चैनल पे स्ट्राइक मार के उनके वीडियो को हटवा दिया था, एंड यही सेम चीज एक और चैनल के साथ हुई है, उस चैनल का नाम है डिजिटल तनिष टेक।
तो इन्होंने अपने चैनल पर टेक्निकल गुरुजी के अगेंस्ट एक वीडियो बनाया है एंड ये अपनी वीडियो में ये बता रहे हैं कि मैंने टेक्निकल गुरुजी के इस वाले वीडियो पे सिर्फ रिएक्शन वीडियो बनाया था बट टेक्निकल गुरुजी ने उस पर स्ट्राइक मार दिया, मेरी वीडियो को रिमूव करवा दिया, टेक्निकल गुरुजी बिक चुका है एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना होगा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है टेक्नो गेमर के बारे में। तो गाइस टेक्नो गेमर के साथ जो ये गर्ल है उनका नाम सुहानी है एंड इसके टाइटल में ये लिखा है टुडे एंड टायर टू गेट इनटू हिज माइंड वीडियो आउट ऑन 21st। मतलब गाइस एक इंटरव्यू टाइप का वीडियो आने वाला है तो जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यार बस आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड गाइस थैंक्स फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। और आपके पास भी कोई अच्छी न्यूज है इंपॉर्टेंट टाइप की तो आप मुझे उसे न्यूज सबमिशन में भेज सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड जो भी मेरे पास न्यूज भेजेगा मैं उसके यूट्यूब चैनल का लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एंड उसके चैनल को मेंशन भी कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।